आज मेरे पंचग्रामी के कार्यक्रम थे। आप सबको पता है हरियाणा जनसेवक पार्टी जो हमने बनाई है, जनसेवा की सोच के लोगों को एक समूह ने, और उसी क्रम में हमने जींद में एक रैली रखी जो 1 नवंबर की थी, लेकिन माताओं बहनों के निवेदन पर करवा चौथ का व्रत होने की वजह से, उनकी भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारी माताओं बहनों में बहुत बड़ी आस्था है उसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको पोस्टपोन कराया 1 नवंबर की जगह। उस रैली को हमने 19 नवंबर को करने का निर्णय लिया है पूरी टीम ने। उसी का रैली का निमंत्रण देने के लिए आज हम, मेरा उकलाना का दौरा था और आज भाई अनिल बिठमड़ा जो मेरे से आके मिले थे वहाँ रोहतक, इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भाजपा ज्वाइन करने की आस्था जताई थी, तो उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम भाजपा परिवार को बढ़ाने के लिए ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भाई अनिल बिठमड़ा के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा आज हमारी पार्टी ज्वाइन करने का और उस पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इसकी प्रदेश के विकास और प्रदेश को फैली आज वह भ्रष्टाचार और लूट की सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने का साथ और भी एक वादा इन्होंने किया। उसी उपलक्ष में आज मुझे खुशी है भाई अनिल आज हमारी पार्टी में हमारा मेंबर बनकर, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर हमारे साथ इस लड़ाई में हमारे सहयोग बना है। इसके लिए मैं भाई अनिल को बहुत बधाई देता हूँ और इनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे इस संगठन में, हमारे इस दल में आपको पूरा मान सम्मान और भाईवाला पूरा मिलेगा, कभी किसी प्रकार की आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरे कार्यक्रम कई हैं, उसी संदर्भ में 19 तारीख की उस रैली को एक बहुत बड़ा, इस हरियाणा प्रदेश की इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा दिन उस दिन साबित करेंगे कि पूरी राजनीतिक गलियारों में तूफान आ जाएगा। उसी के संदर्भ में मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों से मिलने के, लोगों को निमंत्रण देने के, तो आप सबको भी, मैं साथियों मीडिया के साथियों को भी 19 तारीख का जींद की होने वाली रैली में निमंत्रण देता हूं, और यहां बैठे हुए मेरे इस पूरे भाईचारे समाज के लोगों को भी, आप सबको भी मैं 19 नवंबर की उस रैली का निमंत्रण देता हूं, क्योंकि ये रैली और ये पार्टी इस प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दिलवाने के लिए, उनके भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के, उनका हक दिलवाने के लिए काम करेगी। ये पार्टी उस रैली का आगाज़ इस प्रदेश की तानाशाह सरकार को उसकी गलत नीतियों के खिलाफ उसको सावधान आगाज करने का काम करेगी और प्रदेश को एक नया नेतृत्व, एक प्रदेश के किसान मजदूर के युवा चेहरों को राजनीति में लाने का आगाज करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे कई कार्यक्रम हैं आगे हैं और आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने यहां मेरा मान सम्मान और जो प्यार आशीर्वाद मुझे दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब कोई भी सरकार हो सर, एक बार MLA बने या 5 बार MLA कहीं से भी सेंटर से बने, हरियाणा से बने, तो उसकी हर बार तनख्वाह होती है,
वो जितनी बार बनेगा तो उसकी उतनी बार ही तनख्वाह होती है, इसके बारे में आप क्या? ये बंधु मैं विधानसभा में बोल चुका हूँ, आपको शायद अपडेट करो, मैंने उस विधानसभा में कहा है जब कर्मचारियों की पेंशन आप खत्म कर रहे हो तो एक विधायक को पेंशन लेने की क्या आवश्यकता है, सारे विधायक मंत्रियों की पेंशन भी खत्म करो, एक गरीब बुजुर्ग की पेंशन आप काट रहे हो तो उस विधायक को पेंशन लेने का और मंत्री को पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं। मैं हरियाणा का सबसे पहला विधायक हूँ जिसने विधानसभा में खड़ा होकर एक बार नहीं दो दो बारी तीन तीन बार इस बात को उठाने का काम किया है। तो मैं इसके बिल्कुल आपकी बात को समर्थन करता हूँ और मैं इस बात के पूर्ण तरह वो हूँ कि विधायक मंत्रियों को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये जन सेवा की नौकरी नहीं है, ये सेवा करने के लिए 5 साल के चुने जाते हैं, उसके बाद अपना काम करो, इनको पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पंचग्रामी का बहुत बड़ा जन सैलाब अपने इस बेटे और भाई को आशीर्वाद देने के लिए उस दिन मुझे ताकत देने के लिए पहुँचेगा। देखिए सबसे पहले सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो कि इतने कीमती समय में एक थोड़े ही आगाज से ही कि सर मैं एक आपकी जो पार्टी आपने गठन किया है उसका एक सिपाही बनकर काम करना चाहता हूँ। आपकी जो रणनीति है और जो आप एक निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके काम करना बहुत ही अपने आप में एक तारीफ लगा लीजिए या फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लोग एक मंत्री होने के बावजूद भी अपने सरकारी कोटे से पैसा होने के बाद फंड होने के बाद भी वो काम नहीं कर पाते जो हमारे बड़े भाई बलराज कुंडू जी ने लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए बस लगाई है निःशुल्क, उनकी ड्राइवर कंडक्टर और जो मेंटेनेंस होती है उनका खर्चा जो है अपने अपनी जो नेक कमाई है उससे कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। दानवीन कर्ण का नाम सुना था कहानियों में महाभारत में, वो असली मायने में अगर देखा जाए तो जीते जागते दानवीर कर्ण की उपाधि में मेरे बड़े भाई बलराज सिंह कुंडू को देना चाहता हूँ। देखिए अपनी जो MLA की पेंशन तक जो गौशाला में जो बहन बेटियों की शादी में जो निशाहे हैं उनकी तक देने का काम करते हैं और अपनी नेक कमाई से जो गवर्नमेंट की टैक्स पे करके टैक्स पे करने के बाद अपनी नेक कमाई से इतना कुछ करना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके काम करना और मतलब एक छोटे से छोटे अब मंत्री है और भी देखे हम मतलब कुछ भी मान सम्मान किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया जाता, जो प्यार जो कोऑर्डिनेशन एक कार्यकर्ताओं और मतलब उसके साथ होता है वो देख के चीज़ें धरातल पे मेरा मन बना, कई दिन से मैं प्रयास कर रहा था कि मुझे टाइम मिले तो बलराज कुंडू भाई साहब ने समय निकाल कर आज मुझे समय दिया है और इसी पक्ष में एक मजदूर कार्यालय कुलाना मंडी में जो श्रमिक होते हैं उनकी कन्यादान महिला सम्मान छात्रवृत्ति जो गरीब बच्चों को गवर्नमेंट दी जाती है उसके कार्यालय का भी उद्घाटन आज बलराज कुंडू जी के हाथों से, मैं बहुत इच्छा थी कि मैं कार्यालय का जीवन कटवाऊँ तो आज वो सफल हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। बलराज जी जैसे पंचग्रामी में आपने लड़कियों के लिए बस सुविधा दी थी, किरमारा की तरफ से भी एक प्रॉब्लम आई थी लड़कियों की बस नहीं है वहाँ पर, तो उसको अगर आपको संज्ञान हो तो उनको ले सकते हो। मैं चाहता हूँ ये पूरे प्रदेश की बहनों को ही सुविधा मिले। ये सुविधा बलराज क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारी सरकार निकम्मी है, उस प्रकार की सोच हमारी बेटियों की नहीं है, वो सिर्फ नारा देती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके लिए धरातल पर कुछ नहीं करती। मेरा ये बस चलाना कोई एक बस से लड़कियां नहीं पढ़ जाएंगी, मेरा ये संदेश है उस अंधी बहरी सरकार को, मेरा ये संदेश है इन लोगों को जागरूक करने के लिए, इस प्रकार की बसों की पूरे प्रदेश की बेटियों को ज़रूरत है। और मैं वादा करता हूँ जिस दिन हमारी सरकार भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा के युवा चेहरे किसान मजदूर के बेटे जब उस सत्ता के गलियारे में बैठेंगे विधानसभा में बैठेंगे उस दिन इस प्रदेश की कोई भी बेटी इस परेशान होकर कॉलेज का सफर नहीं जाएगी, उन सबको इस प्रकार की सर्विसेज मुहैया कराई कराने का। अगर आपको 2024 से मौका दिया जाता है तो आप कुलाना हलके में जो बस की सुविधा नहीं है लड़कियों के लिए वो निश्चित रूप से 100% करवाने का, कुलाना नहीं पूरे प्रदेश की बेटियों को ये काम करवा के देंगे। सर अभी कुछ दिन पहले वीरेंद्र डूमर का तो उसकी एक रैली थी
मेरी आवाज़ सुनो, वो क्या सुनाना करे? तो चोर साहब से, चोरी वीरेंद्र सिंह से पूछो वो तो क्या सुनाना चाहते हैं और क्या सुना के गए उस रैली में, इस बात का सवाल तो चोर साहब से करो ना, मैं क्या बताऊं। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं वो कुछ सुना के गए उस रैली में, मुझे उस रैली में आपको कुछ सुनाई दिया हो तो मुझे बताओ हैं। तो ये बात तो सवाल आप चोरी वीरेंद्र सिंह से करो, वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं। सर किसानों की बात की जाए तो किसानों की फसलों को रेट नहीं, ये तो मैं हर बार बोलता हूँ, रोज की बातें, किसानों को तो हर बार ये MSP की बातें बातें होती हैं, किसान को हर बार अपने जो है ना फसलों को कम रेट में बेचना पर मजबूर होना पड़ता है। ये सरकार की नीतियाँ हैं, ये सरकार की पॉलिसीज हैं, उन्हीं से दुखी होकर आज परेशान, हर वर्ग परेशान है। गरीबों के राशन कार्ड काट दिए, फैमिली ID के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्याएँ हैं जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित परेशान है। सर अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप हरियाणा को किस लेवल पर लेके जाओ? ये बातें सुन सुनकर लोगों का विश्वास उठ चुका है, लेकिन मैं जिस मेरी पार्टी सत्ता में आई और किसान मजदूर कमेरा वर्ग के वो बेटे जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान होंगे उस कुर्सी पर उस विधानसभा में जब पहुंचेंगे तो आप देखना उस दिन इस प्रदेश की दशा और दशा दोनों बदलेगी। मैं ये अपील करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के रुकलाना के लोगों को, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के आपके बेटा बेटी, आपके बच्चों की, युवाओं के रोज़गार की लड़ाई है, ये प्रदेश के गरीब किसान मजदूर के हक की लड़ाई है, ये प्रदेश में फैले लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है, ये प्रदेश में फैली अर्थव्यवस्था, प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रदेश के हर कर्मचारी व्यापारी, चाहे वो सरपंच संस्थाएँ सरपंचों का वो हाल हो, चाहे काशा वर्कर को हों, चाहे मिड डे मील वाली हमारी बहनें हों, चाहे मनरेगा मेट भाई हों, अभी आपने देखा चंडीगढ़ में उनको गिरफ्तार करके उनको किस प्रकार से हालात किया है। मैं वादा करता हूँ इन सबको इनका हक दिलाने का काम करूँगा और इस तानाशाह सरकार के जो गलत नीतियों को पहली मीटिंग में बर्खास्त करके ख़त्म करने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।